तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको लेकर आ गया हूँ रोहिणी का एडवेंचर आइलैंड दिखाने। तो अभी के टाइम यहाँ पे कौन कौन सी राइड्स चल रही हैं, क्या यहाँ की टिकट प्राइस है वीकडेज पे, वीकेंड्स पे, और साथ ही साथ यहाँ की टाइमिंग्स क्या है, पार्किंग क्या है, सारी जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोज के लिए। एडवेंचर आइलैंड की लोकेशन होगी सेक्टर 10 रोहिणी में, रिठाला मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट साइड में। और साथ ही साथ यहाँ पे स्वर्ण जयंती पार्क भी है, और यहाँ सामने से एंट्री होगी। अपने पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग के होंगे 4 व्हीलर के 50 रुपये के चार्जेस, और 2 व्हीलर के होंगे 30 रुपये के चार्जेस। यहाँ सामने से एडवेंचर आइलैंड के एरिया के अंदर एंट्री है। इसके अंदर जाके आपको मेट्रो वॉक मॉल दिख जाएगा, और साथ में बोटिंग भी कर सकते हैं। एडवेंचर आइलैंड अम्यूज़मेंट पार्क भी है, वाटर पार्क भी है, और डायनासोर पार्क भी है, स्नो पार्क भी है, स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क भी है। इस वीडियो में मैं आपको एडवेंचर आइलैंड दिखाने वाला हूँ। तो एडवेंचर आइलैंड के टाइमिंग्स की बात करें तो गर्मियों में सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है और शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। बाकी सर्दियों में सुबह 11 बजे खुल के 6 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ सामने है एडवेंचर आइलैंड का टिकट काउंटर, डायनासोर पार्क का भी टिकट काउंटर यहाँ है, रनवे 1 का भी टिकट काउंटर यहाँ, स्काई जंपर ट्रैम्पलिन पार्क का भी टिकट काउंटर यहाँ पे। फनविला में स्केरी हाउस, वाटर टनल, मिरर मेज, किड्स राइड्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पैसे अलग होंगे उसके। तो एडवेंचर आइलैंड की टिकट की प्राइस की बात की जाए तो अभी के टाइम यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें सिर्फ 500 रुपये में आप वीकडेज हो या वीकडेज यहाँ अंदर एंट्री कर सकते हैं और राइड्स का मज़ा ले सकते हैं। ये सामने टिकट काउंटर है, और एक्वा बम्प राइड के आपको अलग से पैसे देने होंगे 100 रुपये के। कितना शानदार लग रहा है, एडवेंचर आइलैंड वेलकम व्यू, डायनासोर पार्क इस तरफ है, और इधर एक ये एरिया भी है, इसके साथ भी अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। एडवेंचर आइलैंड की टिकट जब आप ले लेंगे तो उसके बाद आपकी एंट्री यहाँ सामने से होगी, और हमने देख सकते हैं टिकट ले लिया है। तो अंदर चलते हैं एडवेंचर आइलैंड के। तो चलिए एडवेंचर आइलैंड के अंदर हम चलते हैं। ये रनवे 1 का एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, सबसे बड़ा एरोप्लेन रेस्टोरेंट में से एक है ये। तो एडवेंचर आइलैंड की एंट्री वहाँ सामने से है, कुछ एक दो सेल्फी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इस लेक के ऊपर से आपको जाना होगा, और ये एफिल टावर सा दिख जाएगा। 7 बजे तक ये एडवेंचर आइलैंड खुला होगा, और इस वाली लेक के अंदर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। फिर इस टाइप का एफिल टावर सा आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा एडवेंचर आइलैंड के। एडवेंचर आइलैंड के स्टार्टिंग में आपको एक फाउंटेन सा दिखेगा। 10 बजे यहाँ का टिकट काउंटर शुरू हो जाता है, 10:30 बजे। तो ये यहाँ की साइक्लोन राइड है, ऐसे गोल गोल घूमती है, इसमें बैठना हुआ मज़ा आता है इसमें। तो ये जॉल्टर राइड चालू हो गई है। तो अब यहाँ सामने अगली राइड है एयर पोगो राइड। एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, चार, 5 प्लेन है कुल इसमें, और 2 राउंड लगाएंगे इसमें, आगे पीछे बैठ सकते हैं। देखिए पहले कुछ इस तरीके से ऊपर जाएंगे आप, और आगे से स्पीड बढ़ेगी इसकी, वहाँ साइड से कर्व आएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए इसकी ये बढ़ गई स्पीड। अच्छी राइड है ये वाली भी काफ़ी। निकाल
ग्रीन सीट पे लॉक्ड है सर। एक बच्चे ने जूता ही उतार लिया अपना, कहते हैं ये सोच के कि जूता निकल जाएगा। आवाजें देखिए कैसे, गाने वगैरह चलते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा बैठने के लिए रही है, और जरा सामने आप स्नैक्स भी खा सकते हैं। ये स्नैक पॉइंट के साथ में जो झूला है, ये है वाइल्ड वीज झूला। वो होती नहीं बम्पर कार्स टाइप, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये वाइल्ड व्हील्स राइड है, इसका भी मज़ा ले सकते हैं। में क्या होगा ना, इस वाली राइड में आगे पीछे करके ऐसे गोल गोल घूमेगी ये शिप, जैसे वेव्स में नहीं घूमती वैसे ये शिप चलेगी। रॉकिंग टक नाम है इस वाली राइड का। इसके साथ में यहाँ पे रेलगाड़ी भी है, मिनी ट्रेन भी है, और यहाँ H2 वाटर राइड है। तो ये H2 वाटर राइड के पास में आपको ये लॉकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ इसके अलग चार्जेस हैं, फ्री में नहीं है, टिकट प्राइस में इंक्लूड नहीं है इसके। ये अलग से पैसे आपको देने पड़ेंगे, जो कि होंगे लॉकर लेने के लिए 400 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, 200 रुपये लॉकर का किराया है, और 200 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 7 बजे के बाद कोई भी लॉकर का पैसा वापस नहीं होगा, तो 7 बजे से पहले अपने पैसे लेके चले जाएं। आई थिंक एक लॉकर के अंदर आपके 2 बैग आराम से आ जाएंगे। चाबी आपको अपने साथ में रखनी होगी, चाबी वापस नहीं देंगे तो आपको 200 रुपये रिफंड नहीं होगा। तो H2 वाटर राइड में ना दो ऊपर से देखिए लगी हुई है, वो इस बाल्टी पे दो पाइप्स लगी हुई हैं कुछ इस टाइप से। स्प्लैश एरिया नीचे से भी पानी आता है, और इसके ऊपर से भी आप जाके स्प्लैश का एंजॉय कर सकते हैं। अभी बाल्टी का सारा वेट कर रहा है, बाल्टी यहाँ ऊपर से गिरेगी, देखना थोड़ी देर में बाल्टी गिरने वाली है यहाँ पर। ये बाल्टी भरती रहती है, दो तरफ से पाइप लगी हुई है, वो गिरा नीचे, ये वाली नहीं ऊपर वाली जो बाल्टी है, स्प्लैश एरिया सारा ये गिर गई बाल्टी नीचे। क्या बात है, मज़ेदार। सबसे खुशबगी राइड कर सकते हैं आप, ये जीप लेके जाएगी और पूरा एक सफारी से करवाएगी, कहने का जंगल सफारी होगी। सब बैठे रहो बैठे रहो। तो यहाँ सामने से इस वाली राइड की स्टार्टिंग है, 4 लोग मिलके ये राइड कर सकते हैं। उधर से जाएंगे ऐसे ऐसे आके, फिर ये वाला बम्प आएगा, फिर इधर से जाके आगे से टर्न लेके इसके ऊपर
फिर नीचे आएंगे बहुत तेज स्पीड में, फिर वापस वहाँ तक। इसमें ना इधर से टर्न लेके फिर ऊपर फिर नीचे फिर वापस यहाँ पर। ये स्प्लैश टंक राइड है, इधर से घूमते हुए आगे से टर्न लेके आएंगे और फिर इस छोटे से टावर के ऊपर जाएंगे, एक बम्प सा आएगा और फिर सीधा पानी में जाएंगे, देखना कैसे। वैको अब हम राइड के साथ में आपको चेंजिंग रूम भी दिख जाएंगे, बहुत लोग कह रहे थे चेंजिंग रूम होते हैं यहाँ पे। एक्वा पंप राइड जो है ना ये हमेशा चलती नहीं रहती, इसके टाइमिंग्स होते हैं 11:30 से 12:15, फिर 12:45 से 1:30 बजे, फिर 2 बजे से 2:45, फिर 3:15 से 4 बजे, फिर 4:30 से 5:15 और फिर लास्ट में 5:45 से 6:30 बजे तक ये राइड चलती है। 120 सेंटीमीटर से हाइट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप ये एक्वा पंप वाली राइड कर सकते हैं, जिसमें स्विमिंग पूल प्लस रेन डांस का एरिया होता। ये सारा यहाँ का स्प्लैश एरिया और इसके बीच में आप एक मशरूम सा देख सकते हैं और साइड साइड से ना पानी आ रहा है। थाली वगैरह खा सकते हैं, डीलक्स थाली है, स्पेशल थाली है, कॉम्बोस वगैरह खा सकते हैं। यहाँ आप कई चीज़ें खा सकते हैं, साउथ इंडियन मसाला डोसा, चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे वगैरह, चाइनीज़ में ये सब है। इसके अलावा डीलक्स थाली में ये सब खा सकते हैं, फ्राइड राइस, मंचूरियन पेप्सी का कॉम्बो भी है 200 रुपये का, चाउमीन मंचूरियन पेप्सी का भी कॉम्बो है। और इसके अलावा स्पेशल में राजमा चावल की प्लेट 100 रुपये की है, पाव भाजी की 100 रुपये, छोले भटूरे 150 रुपये, बेवरेज ऐसा स्प्लैश एरिया। तो ये है फायर ब्रिगेड राइड और इस वाली राइड में ना ऐसे गोल गोल घूमेंगे, बच्चों वाली राइड है काफी। ये रुकी राइड, लाइफ जैकेट वगैरह सब पहनाएंगे आपको, कुछ टाइम तक आप इसके अंदर ऐसे रोल रोल सा कर सकते हैं और इसके साथ में यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं। बोटिंग का टिकट काउंटर उस तरफ है, देखिए अब यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं सारे। ये वाली भी बोट चलती थी, अभी बंद पड़ी हुई है।
ये रॉकिंग टग राइड है, और रॉकिंग टग राइड के पास यहाँ आपको फास्ट फूड कैफ़े भी दिख जाएगा, यहाँ पे आप ये चीज़ें खा भी सकते हैं। पिंड बलूची रेस्टोरेंट भी यहाँ, और बर्गर किंग्स वगैरह आपको बाहर मिल जाएगा, मैकडोनल्ड्स वगैरह आपको बाहर मिल जाएगा एडवेंचर आइलैंड के। कुल्फी मेन्यू में ये सब है, खाने पीने में कोल्ड बेवरेजेस में ये है, नूडल्स है, पास्ता है, बर्गर, साउथ इंडियन सैंडविचेस वगैरह, मिनी मील्स, बिरयानी, राइस, ब्रेड्स, मेन कोर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो खा सकते हैं। ये बैठने के लिए रही है, यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं, और यहाँ पे साउथ इंडियन चाट, चाइनीज़, थाली वगैरह खा सकते हैं। प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इधर आप खा सकते हैं।